फेस्टिव फूड रेसिपीज में आज बन रही है उड़ीसा की ट्रेडिशनल थाली। आज हम बनाएंगे ट्रेडिशनल उड़िया थाली, जिसको त्योहारों के मौके पर सर्व किया जाता है। इस थाली में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस आता है। इस ट्रेडिशनल उड़िया थाली में मैंने चार रेसिपीज़ को इंक्लूड किया है, जिसमें हम सर्व करेंगे उड़ीसा का ट्रेडिशनल दालमा, उसके साथ में वहाँ की ट्रेडिशनल लूची पूड़ी, और उसके साथ हम सर्व करेंगे भाजा राइस। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस रेसिपीज़ हैं, जो कि आप बहुत ही कम टाइम में बना के तैयार कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल उड़िया रेसिपीज़ इतनी ज़्यादा सरल और इतनी स्वादिष्ट हैं कि आपको इन्हें बार बार बनाने का मन करेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस तरीके की इंटरेस्टिंग और फेस्टिवल स्पेशल रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम बनाएंगे उड़ीसा का फेमस दालमा। दालमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, जिसमें मैं ऐड करूँगी थोड़े से खड़े मसाले। मैंने यहाँ पर 3 सूखी लाल मिर्च डाली हैं, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, एक छोटी सी पार्ट जावित्री, और उसके साथ मैंने यहाँ पर 10 से 12 काली मिर्च के टुकड़े, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जीरा डाला है, एक छोटी चम्मच इतना। सारी चीज़ों को हम बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे, और रोस्ट करने के बाद इसे मिक्सी जार में डाल करके इसका एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। ये फाइन पाउडर रेडी है, इसको हम एक साइड रखते हैं। अब मैंने यहाँ पर इसी सेम पैन में ऐड किया है आधे कप जितनी अरहर की दाल यानी तोर दाल, इसको डाल करके हम इसे भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। दाल को हमें लो फ्लेम पर चलाते हुए इस तरीके से रोस्ट करना है। दाल को रोस्ट करने से जो इसका फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आता है दालमा में। कुछ लोग इसे बिना रोस्ट किए भी डालते हैं, लेकिन आप मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। दाल को रोस्ट करने के बाद मैंने इसको एक साइड निकाल लिया है। अब इसी सेम पैन में मैंने ऐड किया है 1/3 कप जितनी धुली हुई मूंग की दाल, और उसके साथ मैंने यहाँ पर डाली है 1/4 कप जितनी चना दाल। इन दोनों दालों को भी हम इस तरीके से चलाते हुए लो फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। दालमा बनाने के लिए मैं यहाँ पर 3 तरीके की दाल का इस्तेमाल करी हूँ, चना दाल, अरहर दाल और मूंग की दाल। इन तीनों ही दालों का स्वाद जो है दालमा में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये देखिए हमारी दाल भी रोस्ट हो गई, इसको भी हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बोल में। दाल को डालने के बाद अब मैं इसे अच्छी तरह से पानी की मदद से धुल लूँगी, क्योंकि अभी तक हमने दाल को धुला नहीं था, तो भी जिसमें जो भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी। तो इस तरीके से अच्छी तरह से मैश करते हुए सारा पानी निकाल देंगे, और उसके बाद मैंने 2 से 3 बार इसे वॉश कर लिया है। अब मैं इसको साइड रखती हूँ। दालमा बनाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ सब्जियाँ भी ज़रूरत होंगी, तो मैंने यहाँ पर एक बैंगन लिया है जिसको कट करके इस तरीके से पानी में रख दिया है। साथ में मैंने अदरक लिया है जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। एक आलू लिया है जिसको मैंने इस तरीके से बड़ा बड़ा चॉप किया है। साथ में मैंने थोड़ा सा कद्दू लिया है जिसको कट कर लिया है। थोड़ी सी हरी मिर्च ली है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर टमाटर चॉप कर लिया है, लगभग एक छोटा टमाटर है, और एक मैंने गाजर को इस तरीके से बड़ा बड़ा चॉप कर लिया है। ये सारी सब्जियाँ हम इस दालमा में ऐड करने वाले हैं। दालमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर में ऐड कर लिया है 1 लीटर जितना पानी। कप में देखेंगे तो लगभग 4 कप से थोड़ा ज़्यादा ही पानी डाला है, और पानी डालने के बाद हम इसमें जो हमने दाल को धुल करके रखा था वो सारी दालों को यहाँ पर ऐड कर देंगे। दाल डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और उसके साथ इसमें जाएगा आधी छोटी चम्मच जितना हल्दी का पाउडर। ये डालने के बाद हम एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1 तेज़पत्ता। इसी के साथ पे हमने जितनी भी सब्जियां रखी थी वो सारी यहाँ पर डाल देंगे। तो हरी मिर्च, कद्दू, आलू, टमाटर, गाजर, सारी चीज़ें हमें इसी टाइम पे डाल देनी है। यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ अदरक भी मैं इसी टाइम पे यहाँ पर ऐड कर दूंगी। जो बैंगन हमने कट करके रखा था उसका पानी निकाल कर हम उस बैंगन को भी यहाँ पर डाल देंगे। और ये सारी सब्जियाँ डालने के बाद हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसको हाई विसल पर कुक करेंगे लगभग 2 से 3 सीटी आने तक, ताकि इतने में हमारी जितनी भी सब्जियाँ हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ। 3 सीटी आने के बाद मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया था, और इसका प्रेशर पूरा कम्प्लीटली रिमूव होने जाने देंगे, उसके बाद इसको ओपन करेंगे। ये देखिए हमारी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं, एक बार इसको चेक भी कर लेंगे। अब इसमें जो कद्दू है वो काफ़ी जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है, तो हल्का सा उसे मैश भी कर दें आप तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। ये देखिए मैं यहाँ पर जो कद्दू है वो थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से करछी की मदद से थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस करते हुए इसको सॉफ्ट कर दूँगी, यानी मिक्स कर दूँगी इस दालमा में, जिससे उसका टेक्स्चर और भी इम्प्रूव हो जाएगा। ये दालमा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर आपने आज से पहले कभी ट्राई नहीं किया तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे तरीके से बनाकर, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया, थोड़ी सी वेजिटेबल्स को मैश किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर जो तैयार किया हुआ हमारा मसाला था वो 1 चम्मच भर करके यहाँ पर ऐड कर दिया है। मसाले को आप कम ज़्यादा अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। अब इस मसाले को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस दालमा के साथ में।
और अब हमें इसमें तड़का देना बाकी है। दालमा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो अब इसका तड़का बना लेते हैं। तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में ऐड किया है 4 से 5 बड़े चम्मच इतना सरसों का तेल। इसमें सरसों के तेल का ही तड़का लगाया जाता है। उसके साथ हम इसमें डालेंगे 3 सूखी लाल मिर्च। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम पर हम इसे हल्का सा चला लेंगे। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 फ़ोरन। तो 5 फ़ोरन बेसिकली 5 स्पाइसेस होते हैं जिनको मिक्स किया जाता है। इसमें मेथी, जीरा, सौंफ, कलौंजी और राई दाने को मिक्स किया जाता है। इसकी जो रेशियो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो इस 5 फ़ोरन को डालने के बाद लो फ्लेम पर हम इसी ऑयल में अच्छी तरह से सॉटे कर लेंगे ताकि ये भी थोड़ा सा पक जाए और जो ज़ीरा वगैरह है उसकी चटकने की थोड़ी सी आवाज़ आएगी। बस उसके बाद हम यहाँ पर सबसे लास्ट में गैस के फ्लेम को बंद करके और इसमें ऐड कर देंगे 1/2 छोटी चम्मच इतना कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें नॉर्मल वाली लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लाल मिर्च डाली हुई है इसलिए मैंने यहाँ पर देगी मिर्च यानी कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। इसे डाल करके सारे तड़के को इसमें डालने के बाद इसे एक बार मिक्स कर देंगे और ये हमारा डिलीशियस दालमा बनके बिल्कुल तैयार है। इसे हम सर्व करेंगे कटे हुए हरे धनिया के साथ में, और आप इसे चाहे राइस के साथ खाइए, चाहे आप इसे पूड़ी के साथ खाइए, हर तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये दालमा वहां पर त्योहारों के स्पेशल मौके पर जरूर सर्व किया जाता है। आप इस दालमा को भोग प्रसादम के लिए बना सकते हैं, बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ, जहां पे हम तैयार करेंगे उड़ीसा की एक और ट्रेडिशनल रेसिपी जिसमें हम बनाएंगे उड़िया भाजा राइस। उड़िया भाजा राइस को दालमा के साथ सर्व किया जाता है। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी से नाप करके चावल ले लिया है। मैंने यहाँ पर बासमती चावल का इस्तेमाल किया है, पर उड़ीसा में नॉर्मली छोटा वाला एक चावल होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम इस राइस को अच्छी तरह से धुल लेंगे पानी की मदद से और जो भी गंदगी है उसे निकाल देंगे। तो 2 से 3 बार मैंने इसे पानी से वॉश कर लिया है। अब हम इसे पानी डालकर अच्छी तरह से भीगने के लिए छोड़ देंगे। तो इस चावल को हमें घड़ी में देख करके सिर्फ 10 मिनट तक के लिए भिगवाना है, उसके बाद हम इस चावलों को बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, पैन में डाला है मैंने 1 बड़े चम्मच इतना देसी। आप इस उड़िया भाजा राइस को तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में बनाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब इस घी में हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच इतना ज़ीरा, साथ में हम ऐड करेंगे 1 छोटी इलायची और साथ में मैंने 2 से 3 लौंग ऐड किए हैं और 1 मैंने यहाँ पर तेज़पत्ता ऐड किया है। सारी चीज़ों को हम लो फ्लेम पर अच्छी तरह से थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी फ्रेश मटर। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप जितनी मटर ऐड की है। मटर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बिल्कुल बारीक कटा हुआ गाजर। तो इसमें जो सब्ज़ियाँ हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। आप इसमें बीन्स भी ऐड कर सकते हैं, गोभी भी डाल सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो उससे आप भाजा राइस बना सकते हैं। भाजा राइस का मतलब है सिर्फ सब्ज़ियों वाला राइस। तो यहाँ पर जो सब्ज़ी आपकी चॉइस की हो वो आप डाल दीजिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने चावलों को भिगो करके रखा था, उसका सारा पानी निकालने के बाद आपको यहाँ पर ऐड करना है। चावल डालने के बाद इसे भी हम अच्छी तरह से घी में थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे घी के साथ में, ताकि जो चावल है वो बहुत ही बढ़िया तैयार हो। तो मैंने 1/2 मिनट तक भूनने के बाद जिस कटोरी से चावलों को नापा था उसी कटोरी से नाप करके यहाँ पर 2 कटोरी जितना और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी यानी 2 चम्मच जितना थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डाला है, और इसे डालने के बाद हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे ऊपर से प्लेट लगा कर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। प्लेट को हमें कम्प्लीटली नहीं ढकना है, थोड़ा सा हम इसे खुला ही रखेंगे। तो इस भाजा राइस को बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें पकाना है और लगभग 10 से 15 मिनट का समय हुआ है। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। देखिए सारी सब्जियाँ भी अच्छी तरह से पकनी शुरू हो गई और चावल भी पक रहा है। इसकी क्या पहचान है कि ये रेडी हुआ है नहीं, आप इस तरीके से हल्का सा मूव करके देखेंगे। अगर चावल मूव हो रहा है इसका मतलब अभी इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है, तो इसको थोड़ा सा और पकाना पड़ेगा। फिर से मैं इस तरीके से प्लेट को थोड़ा सा ढक देती हूँ और इसके बाद फिर से मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए ढक दिया था और उसके बाद फिर से मैं इसको चेक करूंगी। अब हम चावलों को चेक कर लेते हैं। चावल अच्छी तरह से पक्का होना चाहिए। ये देखिए अच्छी तरह से मैश हो रहा है, चावल पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब हम इसको एक बार और चेक कर लेते हैं। इस तरीके से आप टर्न करके देखेंगे चावल अपनी तरह से नहीं मूव हो रहा है, इसका मतलब ये बन के बिल्कुल तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और बंद गैस पर ही हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे और ये राइस सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब देखिए, अब आप इसको हिलाएंगे भी तो चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और चावल बहुत ही बढ़िया और लाजवाब बनके तैयार हुआ है। ये हमारा भाजा राइस बिल्कुल रेडी है दालमा के साथ सर्व करने के लिए। बढ़ते हैं हमारी आज की तीसरी रेसिपी की तरफ, जहाँ पे हम तैयार करेंगे उड़ीसा की ट्रेडिशनल लुचई पूड़ी। ये उड़ीसा और बंगाल में काफ़ी पसंद की जाती है। चलिए देखते हैं इसकी पूरी रेसिपी को। इस पूड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले इसका आटा तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 कप जितना
मैदा लिया है। इस मैदे में हम ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, मैंने आधी छोटी चम्मच इतना नमक ऐड किया है, और उसके साथ हम इसमें आधी छोटी चम्मच पिसी हुई चीनी का पाउडर ऐड करेंगे। चीनी डालने से ये पूड़ी बिल्कुल भी मीठी नहीं होगी, बल्कि इसका जो टेस्ट है वो और भी इन्हांस होके आता है। दोनों ही चीज़ों को अच्छी साथ मिक्स कर लेंगे इस मैदे के साथ में, और उसके बाद हम दो छोटे चम्मच जितना यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे हमारी ये जो लुचाई पूड़ी है यानी लूची पूड़ी है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होगी। उड़ीसा और बंगाल में इस पूड़ी को सब्ज़ी के साथ सर्व किया जाता है या फिर इस दालमा के साथ में, और वैसे नॉर्मली ये पूड़ी पंजाब में भी काफ़ी फेमस है, और इस पूड़ी को वहाँ पर हलवे के साथ में पसंद किया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ईजी रेसिपी है जो आप बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर पानी की मदद से इसको अच्छी तरह से गूंथ करके इसका आटा तैयार कर लूँगी। इसका आटा हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है, जैसा हम नॉर्मली पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं हल्का सा टाइट सा, वैसा ही आटा हम इसके लिए तैयार करेंगे। ये लुचई पूड़ी हमेशा मैदे से ही तैयार की जाती है। तो ये देखिए मैंने इसका जो डो है अच्छी तरह से रेडी कर लिया है। इतना आटा लगाने में मुझे आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए हम इस आटे को रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, तो ढक करके इसे 15 से 20 मिनट तक के लिए छोड़ देते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद हम इसे ओपन करेंगे और इस डो को फिर से एक बार मसल लेंगे, और मसलने के बाद हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयां तोड़ करके इसकी पूड़ी बनानी शुरू करेंगे। इस पूड़ी को थोड़ा सा छोटा छोटा ही बनाया जाता है, तो इसीलिए हम छोटे छोटे से इस तरीके से बॉल्स बना लेंगे पहले, और इनको कवर करके रखेंगे ताकि ये ड्राई नहीं हो। और इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ सरफेस पर, उसके बाद इसको रोल करना शुरू करेंगे। मैं यहाँ पर सूखे मैदे का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, पर अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है तो आप इसमें सूखा मैदा भी लगा सकते हैं। और इसको देखिए हमें अच्छी तरह से एकदम पतला बेलना है, और इसके जो किनारे हैं कोशिश करनी है कि वो थोड़े से पतले रहें, तभी आपकी जो पूड़ी है वो थोड़ी फूली फूली तैयार होगी। अगर आप इसके किनारे को थोड़ा सा मोटा छोड़ देते हैं जिसके कारण जो हमारी पूड़ी है वो साइड से अच्छी तरह से नहीं फूलती, तो इस टिप का आप ध्यान रखें। इसी तरीके से हम बाकी सारी पूड़ियों को भी तैयार कर लेते हैं। और एक बार ऑयल में डालने से पहले आप इस तरीके से हल्का सा बेलन चलाकर साइड्स में इनके जो किनारे हैं इनको अच्छी तरह से पतला करके ही आप ऑयल में डालिए, तो आपकी जो हर एक पूड़ी है एकदम फूली फूली और बढ़िया बन के तैयार होगी। इसे तलने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को गर्म कर लिया है। मैं आपको एक पूड़ी को तल के भी दिखाती हूँ, एक बार इसे चेक कर लेंगे। अच्छी तरह से तेल हमारा गर्म है, एकदम धुएंधार भी नहीं है, लेकिन अच्छी हीट है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे हमारी जो तैयार की हुई लुचई पूड़ी है, उसको हम फ्राई कर लेते हैं। इसको फ्राई करते समय आपको गैस के फ्लेम को बिल्कुल हाई पर रखना है, और इस तरीके से आप हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे तो ये पूड़ी बहुत आसानी से फूल जाएगी। देखिए जैसे जैसे ये फूलना शुरू होगी आपको जहाँ जहाँ पर इसमें एयर भर रही है बस आपको वहीं वहीं पे प्रेस करते जाना है। ये देखिए हमारी जो पूड़ी है बिल्कुल अच्छी तरह से फूल करके एकदम बलून जैसी दिख रही है। इसको हम दूसरी साइड से टर्न कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इसे हल्का सा सेक लेते हैं। इस पूड़ी को बहुत ज़्यादा लाल नहीं किया जाता है। नॉर्थ इंडिया में बनने वाली नॉर्मल पूड़ी से ये काफ़ी अलग है, क्योंकि नॉर्मल जो हम पूड़ी बनाते हैं घरों में नॉर्थ में, वहाँ पर इस पूड़ी को थोड़ा सा लाल किया जाता है, अच्छा सा कलर आना चाहिए तब तक इसे फ्राई किया जाता है। लेकिन जो लुचई पूड़ी है इसको बहुत ही लाइट सा फ्राई किया जाता है, इसके ऊपर कोई भी ब्राउन स्पॉट नहीं आने चाहिए, बस इस तरीके से सफ़ेद रंग रहना चाहिए, और बहुत ही स्लाइट सा हमने इसे फ्राई किया है। ये देखिए आप कितनी बढ़िया से इसका टेक्सचर आया है। और इसी तरीके से हम अपनी बाकी की सारी जो पूड़ी है उनको रेडी कर लेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। चलिए हम इसी तरीके से अपनी बाकी सारी पूड़ियों को भी फ्राई कर लेते हैं। इस थाली में सर्व करने के लिए मैं यहाँ पर दाल का एक पापड़ भी फ्राई कर रही हूँ, जो इस ट्रेडिशनल फेस्टिवल स्पेशल थाली के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर दाल के पापड़ को मैंने तैयार नहीं किया है, रेडीमेड पापड़ है जो आसानी से आपको मार्केट में मिलता है। इसको मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया, इसको भी हम निकाल लेते हैं। बढ़ते हैं आज की हमारी लास्ट रेसिपी की तरफ, जहाँ पर हम तैयार करेंगे पूजा स्पेशल मीठे चावल। इस रेसिपी के लिए आप घर की किसी भी कटोरी या कप को सेट कर लीजिए, उसी से आपको सारा माप लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी से नाप करके दो कप कटोरी जितना चावल ले लिया है, और आप इसके लिए कोई भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बासमती चावलों का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर दो कप जितने चावल हैं, सबसे पहले इन चावलों को एक बोल में डाल करके हम इसे पानी की सहायता से अच्छी तरह से धुल करके तैयार कर लेंगे। चावलों को धुलने के बाद हम इसे 5 मिनट तक के लिए पानी के साथ भिगो करके छोड़ देंगे। जब तक हमारा चावल भीग रहा है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और उसके साथ मैंने लिया है एक चक्रफूल, साथ में मैंने एक तेज़पत्ता लिया है, 3 छोटी इलायची ली है, साथ में मैंने 3 ही लौंग यहाँ पर इस्तेमाल की है।
चावल 5 मिनट तक भीग चुका होगा तब हम इसका सारा पानी निकाल देंगे और इसके बाद हम इसे एक साइड रख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर ली है एक कढ़ाई जिसमें मैं ऐड करने वाली हूँ 1 बड़े चम्मच इतना देसी घी, और देसी घी डालने के बाद हम इसमें सबसे पहले अपने रखे हुए सारे ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पर रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट को रोस्ट करने के बाद हम इसमें 2 छोटे चम्मच इतना देसी घी और ऐड करेंगे, और घी डालने के बाद हम इसमें सबसे पहले जो अपने खड़े मसाले हैं उनको डाल देंगे। यहाँ पर मैं गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया, और लो फ्लेम पर हम इन मसालों को हल्का सा सॉटे कर लेंगे इस घी के साथ में, ताकि इस घी में सारा एरोमा आ जाए इन सारे मसालों का। उसके बाद हम इसमें रखे हुए जो हमारे भीगे हुए चावल थे उनका पानी निकालने के बाद सारे चावलों को यहाँ पर ऐड कर देंगे। चावलों को हम घी के साथ थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, ताकि जो चावल हैं उनमें बढ़िया सा घी का फ्लेवर आ जाए, और जितने भी हमने मसाले डाले हैं उनका भी बढ़िया सा एरोमा आ जाए। आधे से 1 मिनट रोस्ट करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर मैं 3 कप जितना पानी डाल रही हूँ, जिस भी कटोरी से आपने चावलों को नापा था उसी से नाप करके आपको यहाँ पर 3 कप जितना पानी डालना है। तो रेशियो बहुत ही सिंपल है, जिस कटोरी से आपने चावल को नापा था उसी कप से नाप करके आपको 1 कप के हिसाब से 1.5 कप जितना पानी यहाँ पर डालना है। पानी डालने के बाद इसे एक बार मिक्स कर लेंगे, और अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा लेमन येलो कलर डाल रही हूँ, क्योंकि मैं इसे वसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा के लिए बना रही हूँ। आप अगर इसमें कलर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप इसे थोड़ी हल्दी डालकर भी बना सकते हैं, या फिर चाहें तो आप इसमें ऑरेंज फूड कलर भी डाल करके इसको बना सकते हैं। कलर डालने के बाद, मिक्स करने के बाद मैंने ढक्कन लगा दिया है, गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया, लो फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ दिया था। लगभग 10 से 12 मिनट का समय हो चुका है। अब मैं यहाँ पर ढक्कन हटाकर इसको एक बार चेक कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा जो चावल है वो अच्छी तरह से पकना शुरू हो गया। इसी टाइम पर हम यहाँ पर चीनी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जिस कटोरी से आपने चावलों को नापा था उसी कटोरी से नाप करके मैंने यहाँ पर 1 कप + 1/4 कप जितनी चीनी ऐड की है। आप इसमें चीनी का रेशियो अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही लाइट हैंड से आपको ये काम करना है, क्योंकि चावल पक रहा है इस समय पर, चावल काफ़ी डेलिकेट है तो ये टूटना नहीं चाहिए। बस हल्के हाथों से इसे चीनी को एक बार मिक्स करना है इस चावलों के साथ में, और फिर से हम इसका ढक्कन लगाकर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम हमें अभी भी लो ही रखना है, ताकि जो चीनी है उस वो अपना मॉइस्चर रिलीज़ करेगी, और इस मॉइस्चर के साथ भी हमारा ये चावल थोड़ा सा पक जाएगा। तो यहाँ पर फिर से ढक्कन लगाकर मैंने छोड़ दिया इसको, और अब फिर से इसे पकते हुए लगभग 5 से 7 मिनट का समय हुआ है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है, अपना मॉइस्चर भी रिलीज़ कर रही है। इसे एक बार हल्का सा टॉस करेंगे और चेक कर लेंगे इसमें मॉइस्चर कितना है। देखिए अब इसमें काफ़ी सारा पानी है, तो हमें सारे पानी को भी पकाना है, और साथ ही साथ हम ये भी चेक कर लेंगे कि हमारा चावल अच्छी तरह से पक गया है या नहीं। चावल में अभी थोड़ी सी कसर रह गई है, तो मैं यहाँ पर फिर से इसको ढक्कन लगाकर पकने दूंगी। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से 5-5 मिनट के बाद हल्का हल्का चेक करते रहना है, और हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका मॉइस्चर बिल्कुल अच्छी तरह से रिमूव नहीं हो जाता और चावल भी हमारा अच्छी तरह से पक नहीं जाता। तो फिर से मैंने इसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और अब देखिए अभी इसमें कहीं पर भी कोई भी पानी नहीं दिख रहा है। चावल भी हमारा पूरा अच्छी तरह से खिला खिला सा नज़र आ रहा है, और एक बार इसको चला कर भी चेक कर लेते हैं कि कहीं पर पानी तो नहीं रह गया। ये देखिए हमारा जो चावल है पूरा अच्छी तरह से, मॉइस्चर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, अब ये बिल्कुल रेडी है। लेकिन अभी हम इसे गर्मा गर्म में बिल्कुल भी सर्व नहीं करेंगे, ना ही इसको ज़्यादा छेड़ेंगे, वरना चावल टूट जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, गैस के फ्लेम को बंद कर देना है। बंद करने के बाद ढक्कन लगाकर इसको छोड़ देना है लगभग 5 से 7 मिनट के लिए। तो 5 से 7 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे, और देखिए हमारा खिला खिला मीठा चावल बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे ऊपर से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल करके सर्व कीजिए, और चाहे तो आप ऊपर से मावा और थोड़ा सा केसर लगाकर इसे सूखे नारियल के साथ में सर्व कीजिए। बहुत ही डिलीशियस। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये उड़िया ट्रेडिशनल थाली आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्द ही मिलती हूँ आपसे एक और नई फेस्टिवल स्पेशल रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग फेस्टिव फूड रेसिपीज़।